जेटली पूर्व वित्त मंत्री और इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जो खबर आ रही है सुबह 11 बजे उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अशोक, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हैं, सुबह अचानक थोड़ी दिक्कत होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। बिल्कुल, सुबह अनइजीनेस की शिकायत हुई इनको, हालांकि बहुत लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं, कई तरह की कॉम्प्लिकेशन जो उनको है वो उन्होंने मंत्री बनने से भी इनकार कर दिया था। खुद प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी उनका हाल जानने गए थे कैबिनेट एक्सपेंशन सरकार फॉर्मेशन से पहले, और लगातार वो घर पे आराम कर रहे हैं और एम्स भी जाते रहते हैं इलाज करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। और आज भी सुबह वो एम्स गए, पिछले कई दिन पहले भी वो एम्स गए थे और आज सुबह 11 बजे के करीब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो गए। डॉक्टर वी के बहल की निगरानी में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वी के बहल, और तमाम डॉक्टरों की टीम उनका चेकअप कर रही है, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। और अभी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उनका हाल जानने के लिए पहुँचे, और दूसरे मंत्री भी अश्विनी चौबे जो MOS हैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी एम्स पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री भी जाने वाले हैं? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह भी उनका हाल जानने के लिए पहुंचने वाले हैं। लगातार डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य पर नज़र रखे, उनकी जो स्थिति थोड़ा बिगड़ी है लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन लगातार क्योंकि हालत उनकी खराब चल रही थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसको देखते हुए आज एम्स में एडमिट कराया गया। हालांकि नज़दीकी लोग ये कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। We'll be right back.